कौशाम्बी जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर से तीन किशोरियां बृहस्पतिवार देर रात गायब हो गई। सेंटर से लड़कियां कैसे लापता हुई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सुबह जानकारी होने पर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। सूचना पर एडिशनल एसपी जांच करने पहुंचे। गायब हुई किशोरियों की तलाश के लिए एसपी के निर्देश पर कई टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी गई है। सराय अकिल, पश्चिम शरीरा और संदीपन घाट थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरियों को जिला अस्पताल में स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा है। उनके साथ आई महिला सिपाही थी, लेकिन अचानक बृहस्पतिवार देर रात तीनों किशोरियां सेंटर से लापता हो गईं। जानकारी होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एडिशनल एसपी अशोक कुमार, डीपीओ नीरज कुमार वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर बारीकी से तफ्तीश की और वन स्टॉप सेंटर इंचार्ज शशि त्रिपाठी से पूछताछ किया। वहीं सेंटर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने खंगाला। हालांकि किशोरिया किस तरह से सेंटर से लापता हुई इसकी सही जानकारी किसी भी अधिकारी के पास फिलहाल नहीं है। बताया जा रहा है कि सेंटर में कड़ी सुरक्षा रहती थी, गेट पर ताला लगा रहता था। इतनी कड़ी सुरक्षा से कैसे किशोरिया लापता हो गई, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, आज दिनांक 10 मई को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वन स्टॉप सेंटर से तीन लड़कियां बिना किसी को बताए कहीं चली गई हैं। उनको ढूंढने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही उन तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनमत न्यूज के लिए कौशाम्बी से राहुल भट्ट की रिपोर्ट।